नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट, 31 मार्च 2023, जो कि लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर अपने आधार के साथ लिंक अगर नहीं किया है, तो 31 मार्च 2023 से पहले आपको यह लिंक कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपके साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है, हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अगर अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो ऐसे में 31 मार्च से पहले यह काम कंप्लीट कर ले, अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर ले। अदरवाइज बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेट्स पाना चाहते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, साथ ही हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और हमारा एक कोर्स जो है 15 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, टेली प्राइम, एमएसएमई सेक्टर को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज है, आरओसी कंप्लायंसेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग क्या क्या कंप्लायंसेज है जो करने होते हैं, और इसके अलावा एडवांस्ड एक्सेल, तो ये सभी जो है आपको एक ही कोर्स के अंदर जो सभी मॉड्यूल हैं वो आपको जो है कंप्लीटली विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, जीएसटी की, टीडीएस की, कैसे आप रिटर्न्स फाइल करेंगे, कैसे आप टैक्सेस की पेमेंट करेंगे, कैसे अगर कोई नोटिस आपके पास आता है तो उसको आप रिप्लाई करेंगे, ईएसआईसी, ईपीएफ के चालान कैसे जनरेट करेंगे, कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, टैली में कैसे आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे, एमएसएमई सेक्टर के लिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एमएसएमई सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दी गई हैं, आरओसी कंप्लायंसेस की अगर मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे आप बनाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंप्लायंसेस आपको एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट पर जो है कंप्लाई करने होते हैं, और एक्सेल में कैसे आप जो है बेसिकली अपने जीएसटी या जो जीएसटी आईटीसी है 2A 2B को अपनी बुक्स के साथ रिकनसाइल करेंगे, कैसे आप अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न के लिए अपनी जो सभी इंफॉर्मेशन है उनको कंपाइल करें। तो ये सभी बातें आपको एक ही कोर्सेज में मिलेंगी। अब हम बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की, जिसमें हमने बात की अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो एक रूल है, रूल 114B, 114B, जो बात करता है कि किन किन ट्रांजेक्शन में परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो रूल 114B के तहत कवर होती है और अगर आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको वहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना, मेंशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ, तो 1 अप्रैल 2023 से आपका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा एंड इनवैलिड हो जाएगा। और ऐसे में कुछ जनरल अगर बातें मैं करूं, आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आप जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, मान लीजिए आपकी कमीशन की इनकम है उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो ऐसे में यह मानते हुए कि आपका पैन नंबर इनवैलिड हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है, हायर रेट ऑफ टीडीएस 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद आपका यह जो टीडीएस डिडक्ट किया गया, अगर आप इसका रिफंड क्लेम करना चाहेंगे तो वो रिफंड भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप अपना बैंक अकाउंट अगर
ओपन करना चाहेंगे तो उसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर आज की डेट में मैंडेटरी है, तो आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन नहीं कर पाएंगे। डीमैट अकाउंट अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपका पैन नंबर इनवैलिड हो गया है, तो ऐसे में आप डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। वैसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, बहुत सारी जो है इवेंट्स हैं जो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो रूल 114B में अगर मैं बात करूं, ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू विच परमानेंट अकाउंट नंबर इज टू बी कोटेड टू बी मैंशनड इन ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139A। तो सबसेक्शन 139A सबसेक्शन 5 में बेसिकली कहा गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन होंगी जहां पर आपको जो है परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना, कोट करना जरूरी है। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है? अगर आप कोई भी सेल और परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल या फिर व्हीकल की सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं, दोनों ही केसेस में, सेल करने पर भी और अगर आप परचेज कर रहे हैं, परचेज करने पर भी आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना, कोट करना मैंडेटरी है। तो इट मींस अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड हो गया है तो आप अब क्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी व्हीकल, मोटर व्हीकल आप सेल नहीं कर पाएंगे और ना ही परचेज कर पाएंगे। अदर देन टू व्हील्ड अकाउंट व्हीकल्स, तो बेसिकली यहाँ पर टू व्हीलर्स को एग्जम्प्ट किया गया है। टू व्हीलर्स के केस में परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। टू व्हीलर के अलावा जितने भी व्हीकल्स होंगे वहां पर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर का होना जरूरी है अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन सेल या परचेज की करना चाहते हैं। ओपनिंग एन अकाउंट विद ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशंस 1949 अप्लाइज। तो अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, करंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एनी बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज और टू एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर इश्यू ऑफ ए क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, डेबिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका पैन नंबर अगर इनवैलिड हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है, तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओपनिंग ऑफ ए डीमेट अकाउंट विद ए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। तो अगर आप बेसिकली एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं और आपका पैन नंबर अगर इनऑपरेटिव इनवैलिड हो गया है, तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में बिल की पेमेंट कर रहे हैं और बिल की पेमेंट 50,000 रुपये से ज्यादा है और पेमेंट ऑफ मोड जो है वो कैश है, मीन्स अगर आप बिल की पेमेंट कर रहे हैं और बिल जो है वो 50,000 रुपये से ज्यादा है और पेमेंट का मोड जो है वो कैश है, कैश में आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में होटल या रेस्टोरेंट का कोई भी बिल जो जिसकी कैश पेमेंट आप 50,000 रुपये से ज्यादा कर रहे हैं, उसके लिए पैन नंबर का मेंशन करना, कोट करना जरूरी है। और अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है, तो आप जो है कैश पेमेंट 50,000 रुपये से ज्यादा होटल या रेस्टोरेंट के बिल के लिए नहीं कर पाएंगे। पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। तो अगर आप कोई फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं और उसमें आप 50,000 रुपये से ज्यादा की कैश की पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए पैन नंबर का होना जरूरी है। और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है या आपका पैन नंबर इनवैलिड हो गया है, तो आप फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाएंगे अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं। साथ ही आप कोई फॉरेन करेंसी जो है वो परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप के लिए जनरली आपके पास उस कंट्री की जो कुछ करेंसी होना जरूरी है ताकि आप वहां पर खर्च कर सके, और उस करेंसी को अगर आप परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट आप कैश कर रहे हैं 50,000 रुपये से ज्यादा, तो ऐसे में पैन नंबर का होना जरूरी है। पेमेंट टू ए म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट्स। तो अगर आप म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं और पेमेंट कर रहे हैं आप 50,000 रुपये से ज्यादा, यहाँ पर कैश की बात नहीं की गई, मीन्स चाहे आप कैश के जरिए करते हैं या फिर बैंकिंग चैनल के जरिए करते हैं, दोनों ही केसेस में 50,000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट अगर म्यूचुअल फंड के लिए की जा रही है, तो पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। और यह पैन नंबर कैसा होना चाहिए? वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। इनवैलिड, इनऑपरेटिव पैन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। पेमेंट टू ए कंपनी इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर और बॉन्ड्स इशूड बाय इट। तो
अगर किसी कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड्स इशू किए हैं, और अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं, 50,000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट है, तो ऐसे में पैन नंबर का होना जरूरी है। पेमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप RBI को पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट है, तो पैन नंबर का मेंशन करना जरूरी है। और यह जो पेमेंट की जा रही है RBI को, फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स इशूड बाय इट, तो RBI टाइम टू टाइम अपने बॉन्ड्स इशू करती है। और अगर आप उन बॉन्ड्स को जो है बेसिकली परचेज करना चाह रहे हैं, 50,000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट है, तो ऐसे में आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है। डिपॉजिट्स विद, अगर आप बैंक में जनरली आप जाते हैं तो आप देखते हैं 50,000 रुपये से ज्यादा का अगर कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। और अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड इनऑपरेटिव हो गया है, तो आप अपने ही बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं कर पाए। तो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप एक्सीडिंग 50,000 रुपीज कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, और एक दिन में ही यह पेमेंट की जा रही है, यह कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, तो ड्यूरिंग ए वन डे, अगर मान लीजिए आप अलग अलग दिन में कैश डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए 4 मार्च को आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट किए, 5 मार्च को 15,000, 15,000 रुपये डिपॉजिट किए, तो इस तरह अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में पैन नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। सेम सिचुएशन पोस्ट ऑफिस में है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में कैश डिपॉजिट करते हैं 50,000 रुपये से ज्यादा ड्यूरिंग एनी वन डे, एक दिन के दौरान, तो ऐसे में वहां पर पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। एग्रीगेट टू मोर देन 2,50,000 रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 19 नवंबर 16 टू 30 दिसंबर 16, ये बेसिकली डीमोनिटाइजेशन पीरियड की बात है, जो आज की डेट में वैलिड नहीं रहती है। उसके बाद अगर आप कोई बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बेसिकली अगर आप बनवा रहे हैं, और इसके लिए आप कैश पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपये से ज्यादा एक दिन के अंदर, तो भी ऐसे में पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, या आपका पैन नंबर इनवैलिड इनऑपरेटिव हो गया है, तो ऐसे में आप कोई बैंक ड्राफ्ट, जिसे आप डिमांड ड्राफ्ट DD बोलते हैं, पे ऑर्डर या बैंकर चेक, ये जो है अगर आप कैश पेमेंट करते हुए इनको क्रिएट करा रहे हैं बैंक से, तो वो अब नहीं हो पाएंगे अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड या इनऑपरेटिव हो गया है। अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट किसी बैंकिंग चैनल, किसी बैंकिंग सिस्टम के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, या निधि कंपनी या NBFC के साथ 50,000 रुपये से ज्यादा है, और एग्रीगेट टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा और पूरे साल भर में 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ऐसे में पैन नंबर कोट करना, मेंशन करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स एज डिफाइंड इन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इश्यूएंस एंड ऑपरेशन ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज, और टू एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली आप इशू करना चाहते हैं, दैट मीन्स बेसिकली आप इसे पे ऑर्डर कह सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट कह सकते हैं, और इसकी पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं, और यह जो पेमेंट है 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड इनऑपरेटिव हो गया है, तो ऐसे में आप किसी तरह का पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक जो है वो नहीं बनवा पाएंगे बैंक से, अगर आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं, और यह जो प्रीमियम है 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो भी ऐसे में आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। तो अगर ऐसे में आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा आप पे कर रहे हैं, और अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड इनऑपरेटिव हो गया है, तो ऐसे में आपको उसकी पेमेंट करते हुए भी प्रॉब्लम आने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एज डिफाइंड इन क्लोज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज की सेल परचेज का, और वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में उस पर पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। और अगर इनवैलिड इनऑपरेटिव पैन के साथ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सेल परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की बात हो रही है, और वहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं सेल करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, उसके लिए पेन नंबर का मेंशन करना, कोट करना मैंडेटरी है, जरूरी है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है,
तो भी ऐसे में आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, वैलिड पैन नंबर, तो ऐसे में अब आप जो है उसके उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप कोई सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज और वैल्यूड बाय स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी एट एन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, तो ऐसे में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग आप सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है, तो ऐसे में पैन नंबर मेंशन करना, कोट करना मैंडेटरी है। इसके अलावा सेल और परचेज कर रहे हैं आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज और जहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे में पैन नंबर का कोट करना मेंशन करना मैंडेटरी है। तो ये बेसिकली 18 ट्रांजेक्शन है जो रूल 114B में जो है स्पेसिफाई की गई है, जहां पर पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है या फिर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है 31 मार्च 2023 तक और उसके बाद आपका पैन नंबर हो जाता है इनऑपरेटिव, इनवैलिड, तो ऐसे में आप इन सभी ट्रांजेक्शंस को नहीं कर पाएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो जिन लोगों ने भी अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है किसी भी वजह से, वो जल्दी से अपना पैन आधार से लिंक कर ले। अगर आपके पैन नंबर में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप अपने पैन नंबर को करेक्ट कराएं, उसके बाद आधार से लिंक करें। और अगर आपके आधार में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो पहले आप अपने आधार को अपडेट कराएं, उसके बाद पैन नंबर से लिंक करें। लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले मेक श्योर आपने अपना पैन आधार लिंक करा लिया हो, अदरवाइज आपको 1 अप्रैल से प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों ने भी जो ई पैन बेसिकली जो अवेलेबल कराया जाता है आज की डेट में इनकम टैक्स वेबसाइट पर, जहां पर ऑलरेडी आप आधार के जरिए ही अपना जो पैन है वो क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में वहां पर आपको अपना पैन आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी incometax.gov.in ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पर आप यह अपना स्टेटस जरूर चेक कर ले कि आपका पैन आधार से लिंक है या फिर नहीं। आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।